हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल हैशटैग लकी द ढाबा। और हैशटैग लकी द ढाबा में आज मैं आपको खाने वाली हूँ स्पेशल चाट, जो कि हमारी पालक पकौड़ा चाट। जी हाँ, तो आज मैं बनाने वाली हूँ पालक की चाट, जिसके लिए आपने देखा मैंने पालक का एक बंच लिया है, और जिससे मैं इसकी पत्तियों को तोड़ तोड़ के डुलची में रखती जा रही हूँ। अब मैंने उन्हें अच्छे से धुल लिया है, और उसके बाद अब मैंने क्या किया है कि मैंने चक्कू से इसे काटना शुरू कर दिया है। हाय, साग काटना मुझे बहुत ही टफ लगता है, तो मैं इसे बहुत ही फाइनली चॉप नहीं करने वाली हूँ। मैं इसे ऐसे ही रफली चॉप कर लूंगी, क्योंकि मुझे बनाना है इसका पकौड़ा। तो देखिए, ये जो हमारे पालक की पत्तियां थी, आप देख सकते हो कितनी आसानी से मैंने चॉप करती जा रही हूँ। मुझे इस रस्सी में बताऊँ आपको, साग काटना बहुत ही ज़्यादा बोरिंग काम लगता है। हाल फिलहाल के लिए साग हमारा कट चुका है, यानी कि पालक हमारा कट चुका है, अच्छे से मैंने उसे चॉप कर लिया है। अब उसके बाद में मैंने इसको निकाल लेना है, या पलट लेना है, या डाल देना है एक ऐसे बर्तन में जहाँ पे मैं इसका डो प्रिपेयर कर सकूं। तो अब इसमें मैं करीब 2 से 3 बड़ी चम्मच बेसन डालूंगी, उसके बाद इसमें करीब मैं 1/2 चम्मच डाल दूंगी लाल मिर्च, उसके बाद मैं डाल दूंगी 1/2 चम्मच हल्दी डाल दूंगी, उसके बाद में मुझे इसमें क्या डालना है, थोड़ा सा नमक डालना है स्वादानुसार, एज पर योर टेस्ट। अब इसके बाद में मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला थोड़ा सा, उसके बाद में कुटी हुई काली मिर्च, और हमारा ऑल टाइम फेवरेट किचन किंग सब्जी मसाला। सब कुछ डाल करके, हल्का सा पानी डाल करके मुझे इसका एक डो बनाना है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है कि एक बहता हुआ हमें यहाँ पे बैटर तैयार करना है, नहीं, एक थोड़ा सा सॉफ्ट तैयार करना है। और देखिए, बीच बाद में थोड़ी बहुत डंडिया थी वो निकालो, और बाइंडिंग के लिए मुझे थोड़ा सा बेसन कम लगा ना, तो मैं बेसन और डाल ले रही हूँ। ठीक है, अब देखो ये तो हमारा पकौड़ा बनाने के लिए तैयार हो चुका है। बीच में जो बड़ी बड़ी डंडल हो गई थी ना, उसको मैंने निकाल दिया। अब देखो तेल में क्या करना है, सीधे अपने पकौड़ों को डालना शुरू करो। तो मैंने 3 पकौड़े डाले, मैं ट्राई कर लेती हूँ, कहीं लग तो नहीं रहा है कढ़ाई वढ़ाई में, तो कतई नहीं लग रहा है, और अच्छे से भुन रहा है। तो गैस की फ्लेम को ना मॉडरेट रखना है, ना बहुत ही हाई रखना है, ना बहुत ही मीडियम रखना है, मतलब स्लो रखना है, मॉडरेट फ्लेम रखना है। और फटाफट सारे पकौड़े इसमें डाल देने हैं। तलने में मैं लिटरली बताऊँ, वीडियो तो बहुत जल्दी फिनिश हो जाने वाला है, पर इट टुक अप्रॉक्स 15 मिनट टू गेट फ्राई प्रॉपरली। अच्छे से तलने में मुझे 15 मिनट ऐसे लग गया, क्योंकि देखिए साग था ना, तो अब साग को भी ऑब्वियस सी बात है पकाना तो है ही है, तो ऐसा तो है नहीं कि तुरंत तुरंत हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बोला ना, फ्लेम को मॉडरेट रखना है। 15 मिनट मैंने इसको दिया है, उलट पुलट के जैसे ना मैंने इसको पकाया है कि ये जले भी नहीं और अच्छे से पक जाए अंदर तक। जैसे आप जब चाट खाओ ना, तो फिर मुंह में आपको स्वाद आना चाहिए ना हर एक चीज़ का भाई। तो बहुत ही पेशेंस के साथ में इसको चलाते रहना है, पकाते रहना है, बहुत ही अच्छा बनाना है, और बीच बीच में छोड़ भी देना है, अच्छे से साग पक जाए, ये हमें बार बार ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ पकौड़ियाँ जो पहले पड़ी थी लाल हो चुकी हैं। तो अब क्या करना है हमें, जब ये लाल हो जाएगा अच्छे से ना 15 मिनट के बाद में, तो ऑब्वियसली बात है पेपर टॉल पे इसे हमें निकाल लेना है, और उसके बाद में 2 से 4 मिनट हमें वेट करना है। तब तक के बाकी हम दही वही फेंट करके उसमें चीनी वीनी मिला लेंगे। तो ये इतना बाहर निकल आया है, और बचे हुए तेल में बचे हुए बैटर को डाल दो भाई, घर में खाने वाले काफ़ी लोग हैं, तो सबके लिए तो पकौड़ा बनाना है ना, अकेले तो मैं खाने वाली हूँ नहीं। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ ना, 5 मिनट के बाद पकौड़े जब छूने लायक हो गई हैं, तो मैंने इनको तोड़ करके 4 से 5 पकौड़े, या जितने भी आपके घर में इंसान हो आप उनके अकॉर्डिंग रखो कि सबको बराबर हिस्से मैंने डाल दिया। यहाँ पे देखो ये मटर थी, भुनी हुई मटर है, जिसको मैंने कढ़ाई में पका लिया था, मैंने डाल दिया चाट मसाला डाल दिया है इसमें मैंने। अब मैं इसमें डाल दूंगी मीठी दही, जो मैंने फेट के अभी रख ली थी। मीनवाइल अब मैं डालने वाली हूँ इसमें क्या, प्याज डाल दिया है मैंने। अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटो सॉस, चटनी बनाने का मैंने झंझट नहीं पाला आज। ठीक है, तो अभी मैंने टमाटो सॉस डाल दी है। आप मीठी चटनी बना सकते हो, बट इंस्टेंट काम करना हो तो टमाटो सॉस डाल दो। उसके बाद में यहाँ पे चिली सॉस, हरा वाला सॉस डाल देना है। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में हमें इसकी गार्निशिंग करनी है। तो गार्निशिंग करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम डाल देने वाले इस पर अनार के दाने, जो कि हर चाट की जान तो होती है। ऊपर थोड़े से प्याज और पड़ने वाले हैं, उसके बाद सेव वाली दालमोठ पड़ने वाली है थोड़ी सी, इसमें 2-4 मूंगफलियाँ भी थी, धनिया पड़ गया है, ऊपर से अगेन मैंने इसमें डाल दिया भुना मसाला, लाल मिर्च, काले मिर्च पाउडर, थोड़ी सी दही ऊपर से, और ये लो तैयार है चाट।